और यहाँ पे जो नोट निकलेगा उसको मैं तीन बार डालूंगा 3 times फिट करूंगा मैं, ठीक है। देखिए कितना नोट का, अभी 4 नोट में कन्फर्म आ गया ना, घट गया नोट। ऐसा नहीं कि पहला बार आया सारा नोट, मतलब 3 बार फिट करूंगा। दो नोट बचा, इसमें कलर लगा हुआ है और पीछे दागी भी है और इसमें थ्रेड प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे थ्रेड, यहाँ पे ग्रीन थ्रेड जो मैक बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे थ्रेड आर्क ऊपर चढ़ गया है। दूसरा बात, पेपर कटिंग में भी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? पेपर का लेंथ देखिए, ये देखिए। हम लोग बोलते हैं हमेशा ये अच्छा नोट है, रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्यों नहीं करेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। हम लोग इतना गौर नहीं करते, नहीं ये तो अच्छा नोट है तो पॉकेट में जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, है ना। ये बाकी सबको हम बता नहीं पाएंगे, बट ये जेन्युइन केस है। एक पेपर कटिंग, दूसरा थ्रेड, ये बोला ऑल टोटल बोला जाएगा तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। ये 100 है आपका, 100 दिखा रहा है, मैं 100 निकाल, ठीक है। नोट देखने से पता चल जाएगा आपको, अगर अच्छा नोट है डेफिनेशन 2, ज्यादा सॉइल है डेफिनेशन 1, ठीक है। और इसको क्या करूँ, एक पैकेट करूँ ना उनका जो है और 500 उसमें मिला के चला दूँ? देखिए 200 हो गया, मशीन स्टॉक हो गया। क्या लिख रहे हैं? Pocket 4, पॉकेट इज फुल, रिमूव नोट्स। रिमूव नोट्स में किसको करूंगा? इधर इसको करूंगा ना तो इसको करूंगा, जो 100 हो गया है ना, किसी एक को भी निकालो मशीन चलेगा। दोनों को भी निकाल सकते हैं। टोटल कितना पीस है आपका? आपका है ये 234 और 140 73 74 75, इसमें टोटल दिखाएगा ना, और उसमें जो शॉर्टिंग हुआ है वो दिखाएगा, ठीक है। ये 100 हो गया। अच्छा, इधर फिट, अभी ये नोट फिट में आना चाहिए। आ गया, अनफिट में आया, हाई पैरामीटर आ गया ना, आ गया। आप बोले मैडम सही नोट निकाल के, नहीं देखो कुछ चीजें होते हैं, मैं एक डिफॉल्ट मिनिमम रेंज में रखूंगा और फिर मैं उसको फिर अरे वो फोन किया था, क्या नाम इसको भी पैरामीटर चेंज कर पाए। ये मुझे लगा फॉइल ठीक ही है, देख लीजिए ये भाभी है ना, तो ओके ही है नोट से रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। छोटा वाला नोट लेगा ना, काउंट करेगा ना सर, नया वाला वही देखिए सर बता रहे हैं बेटा, इसमें पुराने नोट के साथ साथ नए नोट भी है, ओके।